कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शिथिल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टेलाजोलाइट के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लैटॉन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉयड से सागर नायिका, सागर के किनारे वाले अंचल से पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहां जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्टिलोस्टस। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घून, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसृप जैसे स्तनपायी डायनेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पालों तथा एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनाथस प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी, भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। मेंढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगास्ट्रोडॉन चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर के लिए जगह। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो किन्नर की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे।